गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी इतना प्यारा सा नन्हा सा बेड, बाल गोपाल के लिए बेड आप कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं बाल गोपाल का इतना सुंदर बेड आप कैसे इजीली बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हमने ये स्पॉन्ज को काट लिया है। ये हमारे पास मोटा स्पॉन्ज नहीं है, इसीलिए हमने ये पतला वाला स्पॉन्ज दिया है। इसमें ये बहुत ही नरम होता है तो लड्डू गोपाल को अच्छा भी लगता है। आप इसमें मोटा स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये चारों स्पॉन्ज को एक साथ ले लिया है। इसके बाद हमने इसका एक कवर बनाया है, जैसे हमने आपको दिखाया, ये हमने एक कवर बनाया है इसका। ये हमने इसको दोनों तरफ से दो कलर दिया है ताकि हम इसे दो तरफ से ही यूज़ कर सकें। तो इसके ऊपर बाल गोपाल को बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये रस्सी का सूता का डिज़ाइन है, तो इसमें कोई पत्थर या स्टोन का डिज़ाइन नहीं है। इसीलिए हमने इस तरफ ये सुंदर वाला दिया है और इस तरफ नॉर्मल किया है, क्योंकि जब बाल गोपाल को हम सुलाएंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ सोने में। अब हम इसके अंदर ये जो हमने चार पीस कट करके रखा है, हमने इसी का माप का ये कवर बनाया है। ऐसे ही इसका माप का ही हमने कवर बनाया है, सिर्फ 1 इंच ज़्यादा करके हमने काट दिया है। उसके बाद हमने इसे अंदर से पूरा स्टिच किया है, अंदर से हमने इसे पूरा स्टिच किया है। उसके बाद हमने इसे राइट साइड में ले लिया है। अब हमने ये जो चार स्पॉन्ज काट के रखा है ये हम एक साथ इसके अंदर डाल देंगे तो हमारा गद्दी रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम इसे इसके अंदर, ये जो कवर है इसके अंदर हम इसे डाल देते हैं। तो देखिए ये हमने स्पॉन्ज को पूरा इसके अंदर डाल दिया। अब जो ये खुला हुआ जगह है इसे हम ऐसे पकड़ के स्टिच करने वाले हैं। तो हमें इसे ये पूरा स्टिच करना है, फिर हम इसका मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, तो हम अपना स्टिच शुरू करते हैं। ये हल्का से हमें स्टिच करना है, ये हमें पूरा स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना स्टिच पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये पूरा राउंड हो चुका है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरफ भी हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसका चादर भी बनाए हैं, वो बनाना बहुत ही सिंपल है। ये देखिए हमने इसी का माप का ये एक कपड़ा राउंड काट लिया है, उसके ऊपर हमने ये पिंक कलर का लेस लगा दिया है। तो इसे हम इस तरफ भी यूज़ कर सकते, फिर इस तरफ भी यूज़ कर सकते। इस तरफ यूज़ करके हमने कुछ तकिया भी बनाया है, जैसे ये छोटा, इसमें भी हमने सारा स्पॉन्ज ही लगाया है, छोटा छोटा कपड़ा को काट के हमने सिलकर इसमें बनाया है। और ये हमने एक राउंड पिलो भी बनाया है। अब हम आपको दिखाते हैं और एक राउंड पिलो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये हमने एक कपड़ा का टुकड़े को अंदर से सिलाई किया है, इस ये दोनों मुंह हमने खोल के रखा है। अब हम ये जो हमने स्पॉन्ज लिया है इसे हम राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद ये ऐसे हमें राउंड करना है। राउंड करने के बाद हमें ये जो हमने कपड़ा को सिलकर रखा है इसके अंदर हमें इसे डालना है, तो ये खुद ब खुद ही राउंड जैसा ही होगा। ये हमने इसके अंदर स्पॉन्ज को डाल दिया है।
अब हमें इसके मुंह को ऐसे बंद करके ऐसे इसे सिलाई करना है। ये पूरा का पूरा हमें सिलना है। ये हमने पूरा हमारा स्टिच कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन दोनों को ऐसे खींच देंगे तो ये खुद ब खुद गोल हो जाएगा। फिर हमें इसे यहाँ बांध देना है तो ये ऐसा हो जाएगा। हमें दोनों तरफ ऐसे ही बंद करना है। तो ये गाइस हमारा ये वाला पिलो भी हो गया। तो ये है हमारे गोपाल जी के लिए सुंदर सा बेड। जब इसमें गोपाल जी आकर बैठेंगे तो उन्हें कितना मजा आएगा, है ना? तो ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे गोपाल जी कितना खुश होते हैं। तो गाइस ये हमारे लड्डू गोपाल जी अपने बिस्तर में बैठ के बहुत खुश हैं, आप देख सकते हो। अभी विंटर का सीजन है इसीलिए उन्होंने स्वेटर पहन के रखा है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।